दो दिल मिले तो फूल खिले और दिल से निकले ऐसे में दिल से ऐसे में दिल से ऐसे में दिल से। नमस्कार, प्रणाम, सलाम। हम अंकिता थपलियाल स्वागत कर रहल बानी रहुआ सबके फेवरेट प्रोग्राम में जोना के नाम हुए SMS दिल से। SMS यानी सोल मीट सोल, यानी वो प्रोग्राम जिसमें हम करते हैं आपके दिल की बात, पढ़ते हैं आपके द्वारा भेजे गए प्यारे प्यारे मैसेजेस। आपके इन मैसेजेस में होती है आपके दिल की बात, आपके जज्बात, आपके ख्वाब, आपकी ख्वाहिशें, आपकी मोहब्बत। तो शिकवा शिकायतें भी रहती हैं, सवाल होते हैं तो खूबसूरत नसीहतें भी होती हैं। आज भी हम आपके दिल से भेजे गए चुनिंदा SMS को पढ़ेंगे और करेंगे आपसे मीठी मीठी बातें, साथ ही सुनाएंगे अच्छे अच्छे गाने। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। किस्मत में तुहके देके कैले एहसान हो, गजबे जोड़ा बनौले भगवान हो, किस्मत में तुहके देके कैले एहसान हो। ओके प्रीत में तुहारे दीवाना, मनवा खोजत रहे लारो ले हमसे कसम, एक पल में मिला
और चलिए अब इस खूबसूरत गाने के साथ हमारे प्रोग्राम का आगाज तो हो ही गया है, तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हमारा आज का पहला मैसेज, जिसे आरा से भेजा है दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मैसेज भेजते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं। मैं भी डरता था पहले अपने दिल की बात किसी से कहने में, लेकिन आपके इस प्रोग्राम को देखकर ना मेरे अंदर भी हिम्मत आई है और अब मुझे लगता है कि मुझे भी अपने दिल की बात इस प्रोग्राम के जरिए कह देनी चाहिए। ये प्रोग्राम मेरे दिल की बात कहने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छा सोचा है दिग्विजय आपने। दिग्विजय लिखते हैं कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, उसे देखे बिना दिल को करार नहीं आता, हर रातों को नींद नहीं आती। समझ लीजिए कि रातों की नींद उड़ गई है, मैं क्या करूं। दिग्विजय आपने जो लिखा है ना, उससे साफ नहीं है कि वो लड़की भी आपसे प्यार करती है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उससे अभी तक अपने दिल की बात कही नहीं है? अगर ऐसा है ना, तो सबसे पहले इजहार मोहब्बत कर दीजिए। इश्क में देर अच्छा नहीं होता, फिर आपके दिल को करार आ जाएगा। और अगर इजहार मोहब्बत हो गई है, वो लड़की भी आपसे प्यार करती है, तो इश्क की इस बेचैनी का मजा लीजिए मोहब्बत भरे इस नगमे के साथ। और प्यार में बेचैनी तो होती ही है, लेकिन इसका एहसास बड़ा प्यारा होता है। और दिग्विजय बहुत प्यारा आपने लिखा भी है। खामखाम आप इतना डर रहे थे कि अपने दिल की बात कह नहीं सकता, उसे कुछ बोल नहीं सकता, मुझे मैसेज कर दिया, मैंने वो मैसेज वहाँ तक पहुँचा दिया, अब किस बात का डर है? इतना अच्छा आप लिखते हैं, कोई भी लड़की आप पे लट्टू हो सकती है भाई, अपने दिल की बात कह दीजिए। जैसे कि सायरन बार बार बज बज के मुझे बताता है कि अब वक्त हो गया ब्रेक का, रे रुक जाओ यार, जा रही बात कर रहे हो, ठीक है अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए ऐसे में दिल से। वेलकम बैक। आगे बढ़े से पहले हम आपके बता दें कि आपन एसएमएस के चलते आपके मिल सकेला इस शो के लकी विनर बने के मौका, और ई हुई तब जब आपके मैसेज चुनल जाए मैसेज ऑफ द वीक,
जिसकी घोषणा हम सप्ताह के अंत में करेंगे। हाल चली, अब आगे बढ़ल जा। अगला मैसेज बा पटना से चंद्रकांत के ये लिखले बाड़े की, मैं एक टीचर हूँ, मेरा स्वभाव सभी के साथ हंस बोलकर बातें करने का है, जिसके चलते मेरी एक कलीग मेरी तरफ आकर्षित है, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ, हालांकि वो मुझे भी अच्छी लगती है। मैं क्या करूँ जिससे उसका दिल ना दुखे और वो मेरी दोस्त बनी रहे। चंद्रकांत, किसी से हंस बोलकर बातें करना मोहब्बत नहीं होती। हाँ, ऐसे में गलत फहमियाँ जरूर हो जाती हैं, लेकिन गलत फहमी जितनी जल्दी दूर हो सके उतना अच्छा है। मेरी राय माने तो आप साफ साफ उससे बात करें और उसे लेकर क्या सोचते हैं बेझिझक उसे बता दीजिए, वो जरूर समझ जाएगी। हम जी, अपने दिल को भी थोड़ा समझाइए, थोड़ा बहलाइए फुसलाइए इस प्यारे से गाने के साथ। मसला चाहे जो भी हो,
गलत फहमियाँ हमेशा दूरियाँ ही बढ़ाती हैं। इसलिए अगर कभी भी किसी के साथ गलत फहमी पैदा होने लगे तो उसे तुरंत दूर कर लेना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगला मैसेज आया है मदन सिंह का बलिया से। इन्होंने लिखा है कि बेरोजगारी के कारण मैं आजकल बहुत तनाव में हूँ। घर में मुझे सभी लोग उपेक्षा की नज़र से देखते हैं। पास पड़ोस के कोई भी इज्जत से मुझसे बात नहीं करता। मन करता है कि घर छोड़ दूँ या फिर इस दुनिया को ही छोड़ दूँ जहाँ कद्र सिर्फ पैसे की है। मदन, आपकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। देखा जाए तो बेरोजगारी आज के युवकों का सबसे बड़ा दर्द है, लेकिन अगर सारे लोग आप ही की तरह सोचने लगे तो। इसलिए आप दुनिया से भागने की नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करिए ना। हौसला रहेगा तो जीत आप ही की होगी। और आइए सुनते हैं एक और गाना आपकी जीत के नाम। कारी कारी अखियां ओह में कजरा के धारवा। तोर कारी कारी अखियां ओह में कजरा के धारवा। तोर कारी कारी अखियां ओह में कजरा के धारवा। तोर गाल पे जे तिलबा तोर गाल पे तोर गाल पे जे तिलबा तोर हुस्न के बहरदार बा। कारी कारी अखियां ओह में कजरा के धारवा। गुरमुखड़ाई जैसे कवलबा चांद जैसन गोरा बदन बा। गोर मुगड़ाए जैसे कवल बा चांद जैसन गोरा बदन बा। ऐसे फेरा दिल पे उतरिया और हर जाने कैसन चुभा। नईखे दिलवा में चैना बस तोहरे ही खुमारबा। नईखे दिलवा में चैना बस तोहरे ही खुमारबा। नईखे दिलवा में चैना बस तोहरे ही खुमारबा। तोर गाल पे जे तिलबा तोर गाल पे तोर गाल पे जे तिलबा तोर हुस्न के पहरेदार बा। मीठी मीठी बतिया पे दिल ना इल्हामार बा। तोर कारी कारी अखियां ओह में कजरा के धार बा। तोहरे ससिया के गर्मी में हमके पिघलाता सनम धीरे धीरे। ओ तोहरे ससिया के गर्मी में हमके पिघलाता सनम धीरे धीरे। मोर बहिया में तू आ जा दिल हमरो बेकरार बा।
बहिया में तू आ जा, दिल हमरो बेकरार बा। मोर दिल के पुरजा पुरजा सजना जी बस तो हार बा। तोर गाल पे जे दिल बा, तोर गाल पे तोर गाल पे जे दिल बा, तोर हुस्न के पहरेदार बा। मीठी मीठी बतिया पे दिल दाइल हमार बा। तोर कारी कारी अखिया ओह में गजरा के धार बा। मीठी मीठी बतिया पे दिल दाइल हमार बा। मायूस होना या फिर दुनिया छोड़ देने की बात, ये सब सोचना कोई हल नहीं है, किसी समस्या का सलूशन नहीं है ये, बल्कि मजबूत इरादों के साथ संघर्ष करना एकमात्र रास्ता है। और अब एक रास्ता हमें ये सायरन दिखा रहा है कि हमें जाना होगा एक ब्रेक के लिए। चलिए हम इस रास्ते पर चलते हैं, यानी यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं जाएगा मत, देखते रहिए SMS दिल से, जल्द ही लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आप सबके फेवरेट शो सोल मीट सोल, यानी SMS दिल से मैं, जिसको करते हैं आप ढेर सारा प्यार और भेजते हैं हमें ढेर सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस। इसलिए आपके मैसेजेस हमारे लिए भी दिल से बहुत करीब होते हैं, जिन्हें पढ़ना और सुनना भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगला मैसेज पढ़ते हैं। मेरे पास अगला मैसेज आया है मऊ से कन्हैया का। इन्होंने लिखा है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन घरवाले उसके साथ मेरी शादी करने के लिए राजी नहीं है। शायद कोई कारण हो सकता है। मैं कैसे घरवालों को राजी करूँ और उसके बिना मैं रह भी नहीं सकता, मैं क्या करूँ? कन्हैया, समय बहुत बदल गया है, लेकिन प्यार को लेकर हमारा समाज अभी भी नहीं बदला है। आज भी हमारे समाज में ना प्यार को लेकर कई तरह की बंदिश है, और शायद इसीलिए अक्सर प्यार पर तलवारें तनी रहती है। माँ बाप को लगता है कि प्यार करके हमारी संतान ने हमारी नाक कटा दी है, और इसीलिए अक्सर वो विरोध में रहती है। हालांकि अब माँ बाप इस सोच से ऊपर उठ रहे हैं। आप भी अपने माँ बाप को प्यार से समझाइए, वो मान जाएंगे। और चलिए अब दिल छोटा मत कीजिए और एक गाना सुनिए। चुनरी बुझाला बदरिया, चेहरा बुझाला चांद हो, चुनरी बुझाला बदरिया, चेहरा बुझाला चांद हो, चुनरी बुझाला बदरिया, चेहरा बुझाला चांद हो। झल हो जाए कबो झल मिलाए, लव
ना में आवा बनाईब दुलहिनिया रूपवा के चमकी चंदनिया सुखवा सजाईब सवारब सपनवा सोभी सनहिया के दुनिया दर्शकों, आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हमें आते हैं, खूब सारे ढेर सारे प्यार भरे अपने दिल की बातों से भरे हुए मैसेजेस हमें आते हैं, लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सभी के मैसेजेस पढ़ पाएं। तो हमारी टीम कुछ चुनिंदा मैसेजेस लेकर आती है जो बेस्ट मैसेजेस होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं अपने शो में। और उसी को अब आगे बढ़ाते हुए अगला मैसेज जो हमें भेजा है वो भेजा है फातिमा ने सहरसा से। इन्होंने लिखा है कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन माँ बाप इसके लिए राजू नहीं है और पैसे की भी कमी है हमारे पास। कहीं से कर्ज लेकर वो जल्द से जल्द मेरी शादी कर देना चाहते हैं जबकि मैं ऐसा अभी बिल्कुल नहीं चाहती। उन्हें कैसे मनाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ आप कुछ बताएं। फातिमा, सबसे पहले तो आप टेंशन ना छोड़ दीजिए। ये बात जान लीजिए कि जब तक आप नहीं चाहते यानी आपकी मर्जी के बगैर आपकी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। अरे अपने माँ बाप को समझाइए, उन्हें बताइए कि जो कर्जा शादी के लिए ले रहे हैं और फिर इस कर्जे के दलदल में डूबने जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि वो कर्जा आपकी पढ़ाई के लिए ले। वैसे कई बैंक आजकल गरीब छात्रों की पढ़ाई के लिए लोन भी दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपके माँ बाप जरूर समझ जाएंगे और आगे बढ़ने में आपकी सहायता भी करेंगे। और चलिए, आपकी हिम्मत की दाद देते हुए और आपके जज्बे को सलाम करते हुए ये गाना आपके लिए। की बोले जिया पिया पिया हो।
का भुलाई बुना सुख दुख बांटब हम साथ में रहे हाथ सजन के हाथ में हो सोचती हूँ कि न जाने वो दिन कब आएगा जब बेटियों को उनकी ख्वाहिशों को माँ बाप समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर अभी सायरन तो बज चुका है और देखिए कितनी जोरदार आवाज में बज रहा है, तो यानी यहाँ पर घंटी बज गई है और समय हो गया एक छोटे से अंतराल का। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हमें दूरी बनानी होगी, कहीं मत जाएगा, मैं बस यूं गई और यूं आई। और एक बार फिर से स्वागत बा आप सबके महुआ प्लस के दिल से दिल मिलावे वाला शो SMS दिल से में। SMS दिल से यानी सोल मीट सोल, यानी दिल से दिल की मुलाकात जो होती है उन मैसेजेस के जरिए जो आप हमें भेजते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये मैसेज भेजा है हमें प्रभा ने दिल्ली से। इन्होंने लिखा है कि मैं बिहार की रहने वाली हूँ, दिल्ली में नौकरी करती हूँ। पिछले 3 साल से मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ। कुछ दिनों से उसका रवैया मेरे साथ बदल सा गया, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। प्रभा, लिव इन रिलेशनशिप आजकल चलन में है, लेकिन लिव इन में धोखा और शोषण की खबरें भी खूब सुनने को मिल रही है। ऐसे में सतर्क और थोड़ा होशियार रहने की जरूरत है तुम्हें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके पार्टनर पर से आपका भरोसा उठ जाए। भरोसा करिए लेकिन सावधान भी रहिए। अगर हो सके तो अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, शायद जो आप सोच रही हैं वो गलत हो। आपका वहम भी तो हो सकता है, आपका शक भी तो हो सकता है। जो भी है तनाव में ना रहे, मुस्कुराते रहिए। नुकसान किसका होगा, प्रभा आपका ही होगा। तो आप बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाइए, फ्रेश हो जाइए, अपने प्यार पर अपने पार्टनर पर विश्वास करिए और ये गाना सुनिए। Hey!
घर में छपल तोर खबर बा, पहला नजर के लहर के असर बा। में छपल तोर खबर बा, पहला नजर के लहर के असर बा। प्रेम नगरिया के पाड़ू तू गोरी, प्रेम नगरिया के पाड़ू तू गोरी। रामा हो रामा गजब कैलू गोरी, रामा हो रामा गजब कैलू गोरी, रामा हो रामा गजब कैलू गोरी, रामा हो रामा गजब कैलू गोरी। गजब गैलु गोरी, रामा हो रामा गजब गैलु गोरी। दादारी दादा बनी प्रेम पुजारी, दादारी दादा बनी प्रेम पुजारी। प्रभा, जैसे तुम्हारा मैसेज हमारे पास आया ना, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मुझे शो में मिलते हैं जो अपने पार्टनर से प्यार तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट उन्हें उन पर होता है, जिसे हम शक कहते हैं। और मैं बार बार उनसे यही बात कहती हूँ, जब प्यार किया है ना तो उसे निभाना भी होगा, विश्वास करना ही होगा अपने प्यार पर, थोड़ा सतर्क भी रहना होगा। वो अच्छी बात है, वो हमें हर रिलेशनशिप में रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप उस पर कुछ लाछन लगा दें या बोल दें कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, ये बहुत गलत बात है। तो यहाँ पर अपने प्यार पर विश्वास करिए, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, हर चीज़ की दवा है लेकिन शक की कोई दवा नहीं है। और इस सायरन की भी कोई दवा नहीं है, इसे कोई नहीं रोक सकता, इसे जब भी ब्रेक लेना है ये लेगा। चाहे मैं आपसे कितनी भी इमोशनल बातें कर रही हूँ, चाहे मैं आपसे जो कुछ बोल रही हूँ, तो अब आपकी बात सुन लेती हूँ, यानी यहाँ पर ले लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए ऐसे में दिल से, जल्द ही लौटेंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका महुआ प्लस के खास शो SMS दिल से में। SMS दिल से यानी वो प्रोग्राम जहां आपने दिल की बात आप हमसे कहते हैं और मैं आपके दिल की बात उनके दिल तक पहुंचाती हूं आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के जरिए। तो उम्मीद है कि आप भी इसे एंजॉय करते होंगे। हाई आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज का आखिरी SMS जिसे भेजा है पटना से शिवेंद्र ने। इन्होंने लिखा है कि मेरा एक दोस्त है, वो मुझे बार बार पार्टनरशिप में बिजनेस करने की बात कर रहा है और मैं उसके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन डर भी लगता है कि कहीं वो दोस्ती का नाजायज फायदा उठाकर मुझसे नुकसान ना पहुँचा दे। शिवेंद्र, वो आपका दोस्त है क्या? वाकई आपने दोस्ती की है? आपका मैसेज पढ़ने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि दोस्ती में इस तरह शक करना तो दोस्तों का अपमान है ना? जरा सोचिए इस बात को, सोचिए। अब आप शक कर रहे हैं तो क्या आपका दोस्त आप पर भरोसा कर सकता है? और जब अपने दोस्त पर भरोसा नहीं है तो साथ में बिजनेस ना ही करें तो यही बेहतर होगा, क्योंकि वो जो शक की सुई है ना वो कहीं ना कहीं चुपती जरूर रहेगी। कभी भी, चाहे आपका बिजनेस के 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, अगर आप शुरुआती दौर पर ही अपने दोस्त पर विश्वास नहीं कर रहे, अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं कर रहे, तो आगे चलकर भी ये दिक्कत हो सकती है और जिससे आपका बिजनेस भी डूब सकता है। वैसे भी दोस्ती बिजनेस नहीं है, दोस्ती में नफा नुकसान ये सब नहीं देखा जाता यार, बल्कि कहीं तो दोस्ती नफा नुकसान से कहीं ऊपर उठकर ही पनपती है, मजबूत होती है। यहाँ पर ना मैं आपको एक नसीहत देना चाहूँगी कि जब आप बिजनेस करें तो सिर्फ बिजनेस की बात करें और दोस्ती करें तो सिर्फ दोस्ती की बात करें। यानी दोस्ती को कभी बिजनेस में ना आने दें और बिजनेस को कभी दोस्ती में ना आने दें। तो अगर आप ऐसा करते हैं, जो प्रॉब्लम, जो दिक्कत आपको लगती है कि आपके बिजनेस में आ जाएगी, वो कभी नहीं आएगी। उम्मीद है मेरी बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो चलिए अब सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गाना। निकला
तो फ्रेंड्स, एसएमएस दिल से में आज के लिए बस इतना ही। हमें आपके एहसासों का, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का रोजाना इंतजार रहता है। और आपको क्या करना होता है? जी हाँ, बहुत आसान सा तरीका है यार। फोन उठा लीजिए, SDS टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए और टाइप कीजिए अपना मैसेज, वो मैसेज जिसे आप भेजना चाहते हैं उनको, जिनसे आप प्यार करते हैं, या फिर अपने दिल की कोई भी बात आप उनसे कहना चाहते हैं, आप उसे हमारे जरिए भेज सकते हैं। उस मैसेज को भेजिए 588888 पर। और ध्यान रखिए, आपके मैसेज में से हो सकता है कोई मैसेज ऑफ द वीक और आप बन सकते हैं लकी विनर। मैसेज ऑफ द वीक और लकी विनर की घोषणा हम इस सप्ताह के अंत में करेंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए SMS दिल से और मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय टू ऑल।